इसलिए हर व्यक्ति को अपनी स्थिति देखने के बाद तय करना चाहिए कि उसके लिए क्या ठीक रहेगा, और ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जो संभालना मुश्किल हो जाए। तो अपने मतलब जितने चादर है पैर उतने ही पसारने चाहिए। क्योंकि शुरुआत में बात हुई थी कि हम यूपीएससी और करियर से जुड़े हुए उसपे बात करेंगे, तो यूपीएससी की बात तो हो गई, मेरा सवाल था करियर को लेके। क्योंकि आपकी आपकी कहानी में भी एक चीज मतलब समझने को मिलती है कि आप पहले पॉलिटिक्स की तरफ, किसी ने सजेशन दिया तो पॉलिटिक्स में ट्राई करने का सोचा, इलेक्शन वो लड़ा सोसाइटी का, देन यूपीएससी किया, उसको 9 महीने किया और फिर उसको छोड़ दिया और फिर टीचिंग में आ गए। तो मुझे लगता है कुछ लोगों का ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है कि ट्राई करते रहते हैं, अपने चक्कर में जिंदगी बीत जाती है, पता ही नहीं चलता करना क्या चाहते हैं। सही बात। लेकिन आप कुछ सलाह देना चाहते हैं इस बारे में कि आप मतलब कैसे पता करें इंसान कि एक्चुअल में वो क्या करना चाहता है, या फिर उसको वो चीज करेगा तो सेटल हो जाएगी, या सेटल या फिर वही समझ रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, लेकिन बहुत जरूरी सवाल भी है। इसको हम कहते हैं कि अपने स्वधर्म की पहचान कैसे करें, या ये कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, कैसे इसकी चीज की पहचान करें। इसकी पहचान कुछ लोगों का सौभाग्य ये होता है कि बचपन से उनको पता होता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। जैसे सचिन को पता था, वो गली में क्रिकेट खेलता था, पेरेंट्स ने काफी समझाया होगा, पर स्कूल में नहीं संभाल पा रहा था तो क्रिकेट में ही चला गया। तो किसी किसी बच्चे का बचपन से शौक बहुत ही क्लियर कट दिखता है, पर ऐसे बच्चे बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं। अधिकांश लोग जैसे कि मैं, जैसे शायद आप भी, हमारी नियति यह है कि हम एक नेगेशन के प्रोसेस में ही समझ पाते हैं कि दरअसल हम किस चीज के लिए बने। पहले मैं ए करूंगा, ए करके समझ में आएगा नहीं ये तो नहीं है भाई, तो ए छोड़ दूंगा, फिर बी करूंगा, बी करने के बाद समझ में आएगा कि बी भी ठीक नहीं है, फिर सी करूंगा, करते करते किसी किसी को शायद ई या एफ में पता लगे यही वो चीज है जो मुझे करनी थी, और वो एफ में आके खुश हो जाए। इसमें भी दो संभावनाएं हैं कि जिंदगी खत्म हो गई, अभी एफ और जी तक खत्म नहीं हुआ मामला। ऐसा हो सकता है कि जिंदगी पहले खत्म हो जाए, ऑप्शंस की जो टटोलने की प्रक्रिया है वो पूरी खत्म ना हो पाए। दूसरा, ए मुझे ठीक नहीं लग रहा ये समझ में आ गया, पर ए में रहते रहते मैंने अपनी जिंदगी के जाले ऐसे बुन लिए हैं कि मैं ए से निकल नहीं सकता हूं। मेरे पास एक परिवार है, मेरी रोजी रोटी बहुत जरूरी है, मेरे बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। इसे मैं कई बार कहता हूं अपनी क्लास में, आपसे भी कह रहा हूं कि आप में से अधिकांश के माता पिता, स्पेशली पिता, जो काम कर रहे होंगे उसको एंजॉय नहीं करते होंगे, वो बहुत ही एलियनेशन के शिकार होंगे। एलियनेशन का मतलब है अपनी मूल प्रकृति से बहुत दूर चले जाना, कट जाना, आत्मनिर्वासन की स्थिति, अजनबीपन की स्थिति में आ जाना। पर वो मजबूर हैं क्योंकि आपकी जिंदगी दांव पर है, इसलिए वो अपनी रुचियों को दांव पे लगाते हैं बार बार। वो जिंदगी भर वही काम करते रहेंगे जो वो नहीं करना चाहते, ताकि आपकी जिंदगी में असुरक्षाएं पैदा ना हो जाएं। इसलिए जब ये समझ में आ भी जाता है कि ये मेरी नेचर का पार्ट नहीं है, तब भी हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आसान नहीं होता है। किसी किसी को मौका मिलता है, जैसे मुझे मिल गया मौका। मैंने सिविल सेवाओं में कुछ महीने काम किया, समझ में आया कि मेरे नेचर का काम नहीं है। मेरे परिवार ने भी सपोर्ट किया तो मैं रिजाइन कर पाया, वरना मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो कब से कह रहे कि रिजाइन करूंगा, नहीं कर पाते। ऐसे रिश्तेदारियों में भी हो सकता है, रिश्ते में भी तो रिजाइन किया जाता है कई बार, कई लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोग कर लेते हैं, लेकिन तरीका वही है। एक साहित्यकार हुए मोहन राकेश, उनकी भाषा में कहूं तो एक ही जिंदगी है, उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो दो रास्ते हैं, उसको ढोते रहिए या खुल के मान लीजिए गलती हुई थी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग करने में फिर खतरा है कि गलती हो जाए, उसके बाद और साहसी होना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति मजाक बनाएगा, सारे फूफा मौसा इकट्ठे हो जाएंगे उस समय कि हम तो पहले ही कह रहे थे पागल आदमी है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इन सब से प्रभावित नहीं होना है, और कहना है कि एक ही लाइफ है, प्रयोग करेंगे बार बार, दूसरा फेल हुआ तो तीसरा करेंगे, चौथा भी करेंगे, और जिस दिन लग गया कि मैं इसी काम के लिए बना था, फिर मन तन्मय रहेगा और ठीक से वो काम करेंगे। कबीरदास एक बहुत महान कवि हुए, उनको लेकर हम ऐसा देखते हैं कि कबीर ने बहुत सारी चीजें छोड़ी क्योंकि उनको वो सुकून नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए वो बने थे, और अंत में भक्ति के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो उस सुकून में आ गए जिसकी तलाश उनको बहुत समय से थी। और इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप छोड़ने का साहस नहीं दिखाएंगे तो आपको वो मुकम्मल
दुनिया कैसे मिलेगी जिसकी तलाश आपको है, तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और नॉट टेकिंग द रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ, क्योंकि रिस्क लेने में चांस है कि सफल हो जाएंगे, रिस्क नहीं लेने में चांस भी नहीं है।